सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मनीषा का चेहरा आ चुका है पूर्वी के सामने, लेकिन पूर्वी कुछ कर पाती उससे पहले ही यहाँ मनीषा अटैक करने वाली है पूर्वी पर उस, और फिर पूर्वी यह सब कुछ देखती रह जाती है क्योंकि पूर्वी कुछ कर नहीं सकती है। और कैसे और क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा लें। असल में होता यह कुछ है कि यहाँ एक तरफ नेत्रा वो चली जाती है जब घर से, तो वहां पर उसका बॉयफ्रेंड पहुंचता है और बॉयफ्रेंड को बता देती है कि मुझसे आरवी जबरदस्ती शादी कर रहा है, जिसके बाद यहाँ अब जो उसका बॉयफ्रेंड है वो आरवी को मारने के लिए घर से निकल जाता है और यहाँ आ भी जाता है, जिसके बाद अटैक करता है यहाँ पर आरवी पर, जिसके बाद यहाँ आरवी पर अटैक करता है। उससे पहले यहाँ पर जो मनीषा है वो उसे उठा ले जाती है वहां से, मतलब कि उसे बहला फुसला कर वहां से लेकर चली जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो नेहा को जस्सी ले जाएगा, जिसके बाद अब वो चला जाता है उसके साथ। यहाँ पर मनीषा उसे समझाने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह मानता ही नहीं है। अब वह यहाँ चला जाता है। जी हाँ, फिर से वह उठाता है चाकू और फिर मारने निकल जाता है आरवी को। आरवी को इधर से उधर घर में घूम रहा है, तो यहाँ पर अब मनीषा है वो भी पहुंच रही होती है आरवी के घर जस्सी के साथ। जी हाँ, गाड़ी में बैठकर, लेकिन उन्हें पूर्वी की बहन देख लेती है और जैसे ही वो यह सब देखती है वह शॉक रह जाती है, उनका पीछा करती और यहाँ पर आ जाती है। और अब हरलीन है वो इन दोनों को पकड़ने वाली होती है। जी हाँ, तभी वह दोनों टेबल के नीचे घुस जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। लेकिन भाई दिया को पता चलने वाला है कि आखिर जो मोनी है वो इसी घर में है इस समय, जिसके बाद अब वो घर आकर बताएगी अपनी बहन को यहाँ अब कि वो लोग नेहा का चेहरा भी देखेंगे, मतलब उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा भी देखेंगे नेहा के साथ, जिसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ तो गलत हो रहा है जरूर। और यह वो पता करने वाले हैं जहां पर आर्मी के सामने भी सच आ जाएगा। जी हाँ, इस सब कहीं ना कहीं मनीषा भी मिली हुई है और तभी यह फैसला करती है कि वह चालाकी से गेम खेलेगा, लेकिन उसकी चालाकी का पता चल जाता है मनीषा को और यहाँ पर अब पूर्वी को उठाकर उसका गला दबाने लगती है, उससे कहने लगती है अगर तुम मेरे रास्ते में आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिसके बाद पूर्वी काफी रोती चिल्लाती है, वहां कोई नहीं आता। लेकिन अब भाई पूर्वी का रुद्र रूप देखने को मिलने वाला है इस मनीषा को, तो भाई आप कितना एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मनीषा वाला ट्रैक खत्म हो और पूर्वी और आरवी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें फटाफट से।